अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। और इस वक्त मैं कहाँ जा रही हूँ, इस वक्त मैं जा रही हूँ हरीम शाह से मिलने, और आज मैं आपको होम टूर करवाने वाली हूँ हरीम शाह का, और साथ ही साथ मैं हरीम शाह के बारे में उन तमाम बातों को जानने की कोशिश करूंगी जो आप लोगों के जहनों में सवाल हैं, जो लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो लोग उनके बारे में कयास करते हैं, या समझ लें कि जो लोगों के जहनों में मिथ्स हैं या गलत फहमियाँ हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सेल्फी क्वीन के नाम से मशहूर हैं, आप लोगों को ये भी पता है कि वो किस तरह से लोगों को मतलब लोग कहते हैं कि वो बदनाम करती हैं, या समझ लें कि उनको एक्सपोज करती हैं, या उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं, या किसी भी तरह से आप कुछ भी समझ लीजिए। तो मैं आज तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो हरीम से जाकर लूँगी, और अभी मैं रास्ते में हूँ, मेरी हरीम से बात हुई है, हरीम रेस्टोरेंट में है और वहीं पर उन्होंने डायरेक्टली मुझे बुला लिया है, क्योंकि जहाँ पर हरीम का घर है वहीं पर रेस्टोरेंट भी है, और हरीम ने मुझे कहा कि आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट में आएँ, हमारे साथ खाना खाएँ, और उसके बाद फिर मैं आपको अपना होम टूर करवाऊंगी। और मैंने उनको बताया कि मैं खाना खा के आई हूँ, लेकिन वो ज़बरदस्ती, यानी इस मामले में वो काफ़ी मेहमान नवाज है, क्योंकि वो कह रही है कि खाना खाए बगैर मैंने आपको अपना होम टूर नहीं करवाना। तो चलिए अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ उनकी सोसाइटी भी, उनका घर भी दिखाऊँगी, और अभी रेस्टोरेंट में हम चलते हैं। मुझे फ़ोन आया है, मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट के करीब हूँ, और हरीम ने कहा है कि जनाब वो बाहर खड़े होकर मेरा वेट कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं हरीम शाह के पास। हाय हरीम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ, आपके वेलकम के लिए खड़ी हुई हूँ। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं आ रही हूँ। कल से आए हुए आप लोग लाहौर? हम जी कल से। सही, कल से बहुत सर्दी है। सर्दी बहुत है, पठानों को तो सर्दी लगती नहीं है। मुझे बहुत लगती, मैं खुद इलाके में खुद सर्दी इलाके की हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे सर्दी लगती, फिर भी लगती है। सही, तो कैसा रहा आपका शो वहाँ पे? आपके सामने अभी स्टूडियो से आई हूँ, अभी खाना खाने का टाइम है, चलें आप खाएं। मैं आपके साथ खाना आप खा, नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू, मैं खाना खा के आई थी। नहीं नहीं, आप हमारे साथ खाना खाएं। आपको पता है पठानों का सुना होगा, मेहमान नवाज होते हैं ये पठान, वाकई हाँ। ऐसे कैसे हो सकते हैं आपके बगैर खाने के? हम एक मिनट वेट कर लें, उनको पता चलेगा। आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया? नहीं नहीं, मैंने खाना खाया हुआ है, वैसे आपके साथ कंपनी करेंगे, जबरदस्ती खाएंगे जी। तो हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं, और रेस्टोरेंट भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं हरीम की एक आदत की वजह से बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी क्वालिटी, कि बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है। सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरा वेट कर रही थी, बाहर खड़ी थी, मतलब अगर चाहती तो नहीं भी करती इस तरह से वेलकम, तो बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल करने वाली बंदी है, बहुत ही वार्म वेलकम करने वाली बंदी है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी मेहमान बनता है तो खाए बिना नहीं जा सकता। और रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं कि हरीम ने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था, राइस भी थे, फ्राइज़ भी थे, जलफ्रेजी भी थी, पिज्ज़ा भी था, जूसेस भी थे, और बहुत कुछ था खाने के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी क्योंकि घर से खाना खा के गई थी तो बहुत कम मैंने टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था। क्योंकि कहते हैं कि जो मेज़बान होता है अगर वो मोहब्बत से आपको कोई चीज़ खिलाता है तो फिर उसका टेस्ट, उसका जायका भी बढ़ जाता है। तो मुझे हरीम की काफ़ी अच्छी आदत लगी, और वहाँ पर मेरे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि हरीम ने मुझे नहीं बताया था कि वहाँ पर संदल जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, संदल भी वहाँ मौजूद थी, दोनों की दोस्ती हो गई, जिसकी मुझे बेहद खुशी हुई जी। तो खाना हम लोगों ने खा लिया है, और अब जल्दी जल्दी हम लोग होम टूर के लिए चलना चाहते हैं हरीम के घर पे, और हरीम की क्योंकि शर्त थी कि खाना पहले खाना है उसके बाद होम टूर होगा, तो अब चलते हैं। और ये देखें अगली गाड़ी हरीम की है, साथ साथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और अब हम लोग चल रहे हैं हरीम के घर पे, और मुझसे पहले हरीम वहाँ पहुँच चुकी हैं फिर से अगेन मेरे इस्तकबाल के लिए, मेरे वेलकम के लिए। वेलकम, हेलो हरीम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, मैं आप ही का वेट कर रही थी, और आप ही का के लोकेशन से कितनी दूर है आपने बताया, 5 मिनट में दरवाजे में खड़ी होगी। हरीम आपका घर भी साथ साथ दिखाएंगे, मैंने जुनैरा को खुद वेलकम करना है क्योंकि मेरी ऑनर की बात है, आप आई। थैंक यू थैंक यू हरीम, ये आपकी गाड़ी, गाड़ियाँ
और ये सब सवालात, ये हरीम की मनी ट्रेल आज हम पूछ के जाएंगे, ऐसे हम हरीम को छोड़ेंगे नहीं। और वो देखें आपको कौन नजर आ रही है। आप मेरा ट्रायल करती रहती है, मीडिया ट्रायल। हाँ, मीडिया ट्रायल। और हेलो संगल, क्या हाल है? मेरी मर्सिडीज देख सकते हैं, लोगों को दिखाएं, मेरी मर्सिडीज है। हाँ, आपकी मर्सिडीज है। और संगल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई मुझे आपको देख के यहाँ पे की दोस्ती हो गई दोबारा से। चॉकलेट खाएंगे? नहीं, थैंक यू सो मच। आप खाएं, अब हम हरीम के घर के अंदर चलेंगे। मेरे घर के अंदर चले चले, दोनों के घर के अंदर लड़ेंगे। हाँ, घर दिखाएं, घर दिखाना बहुत जरूरी। वाजी वाह। और आयन ने पतला नहीं होना, क्योंकि मैं सीरियसली मिस्टर बोर्ड की जिम भी जाती हूँ, आपको नहीं यकीन आता होगा। अच्छा, जिमिंग करती हैं लेकिन फिर भी स्मार्ट नहीं होती? रेगुलर जाती हूँ, कराची के अंदर भी जहाँ पे भी हूँ, लेकिन मैंने स्लिम नहीं होना। मैं अपनी वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ, लोग कहते हैं आप इतना एक्सरसाइज करते। चले आपके ड्राइंग रूम में। ये हरीम का सोफा है और ये वाला मेरा है। ये सब ब्राउन कलर का, मेरे व्हाइट कलर के। अच्छा, यानी व्हाइट संदल का। हाँ, और ये मेरी चेयर है, ये हरीम की चेयर है। एक ये हरीम की चेयर है और ये चेयर मेरी है। लेकिन आप दोनों एक भी बैठ, लेकिन बैठते एक में, इधर से हरीम को निकालती हूँ, इधर से मैं खुद निकालती हूँ। और जब जब झगड़ा कर लेते हो, जब आप लोग तो हर दो मिनट जब झगड़ा करते हो, उठा के फेंकती हूँ। अच्छा, जब झगड़ा करते हो तो कौन किसको घर से बाहर निकालता है? मारती, अच्छा, दोनों एक दूसरे के आगे नहीं बोलती मैं आपको। दोनों एक दूसरे को मारते हो लिटरली? नहीं, नहीं, ये कभी नहीं मारती। मैं इसकी बाल खींचती हूं। मैंने अगर जिंदगी में हाथ उठाए तो मर्दों पे उठाए हैं, मैंने औरत किसी पे हाथ नहीं उठाया। मैंने फर्स्ट टाइम भी एक मर्द को मारा था, उसके घर के अंदर घुस के। मैं सच्चा वाक्य बता रही हूँ। मारा किस वजह से? इसी तरह मेरे साथ बदतमीजी की थी, मैं उनके गेट से फ्लैंक के अंदर की थी। अल्लाह, आई स्वेयर। और मैंने जाके, मैं कितनी, अल्लाह ने मुझे पता नहीं कितनी ताकत थी। बड़ी बात सस्ता पर अल्लाह मुझे माफ करे। और बगैर किसी एग्जीजेट, बगैर बात को एग्जीजेट की मैं बात करूंगी। और घर में जब मैं इंटर हुई तो वो इतने, वो सुन भी रही होंगे, देख भी रही होंगे, ठीक है, बाकी सारी बात बताती हूँ, नेम नहीं लेती। वो बड़े मजे से बैठे हुए, यूं टांग पर टांग रखे हुए पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, सारे उनके ही दोस्त। वो मैं घुसी दरवाजे में, मैंने यूं कॉलर से पकड़ा और मैंने यूं खींच के मारा। कंट्रोल होते, कंट्रोल होते, कंट्रोल और कंट्रोल होके, और इतना मैंने मार के तो उनके घर से निकली। उनके दोस्तों में कोई, किसी में हिम्मत नहीं थी आके मुझे कह के, किसी में हिम्मत नहीं थी कि आपसे पंगा ले। मैंने कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया और ना उठाऊंगी, मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट। अच्छा चले, अब हमें, अब आपका ड्राइंग रूम दिखा दें साथ साथ। ये देखे जी, शैंडलियर आपके लिए, चॉकलेट रखी है मैंने, ड्राई फ्रूट रखे हैं मैंने, पानी भी मौजूद है यहाँ पर। और अच्छा, मैं नोटिस कर रही हूँ कि जितना आप ना मुझे भी साथ में मोटा करना चाहती हैं, क्योंकि आपने मुझे कॉफी खिलाया। मैं यहाँ पे खाया नहीं, इसी बात पे तो मैं आपसे नाराज हूँ कि आपने खाना नहीं खाया। थैंक यू सो मच। नहीं है, मुझे आपकी मेहमान नवाजी और आपका इखलाक बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल टेंट्रम्स नहीं है हरीम के अंदर। और हरीम का ना, मुझे पहले लगता था कि हरीम जानबूझ के बस हर वक्त हंसती रहती हैं, लेकिन मैंने अब देखा है, नोटिस किया कि वाकई ना इनका स्माइल के ऊपर, लाफ्टर पे कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, वो पता नहीं क्यों मैं हंसती हूँ 24 घंटे, हम तो हंसते रहते हैं, हंसते रहते बस औकात, मतलब ऐसे हम, हमारी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन कभी कभार दूसरे समझ रहते हैं कि हम पे हंस रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा हम लोग वैसे ही हंसते हैं खुद से। अगर खुदा ना खास्ता किसी, आप पोतगी पे चले जाओ, कितनी बार ऐसे हुए नहीं होती, मैं निकलती हूँ हंसती, मैं हर बात पे हंसती हूँ, कोई भी, आपको पता है, बेइज्जती खा के फिर उदास था। पता क्यों? वो जो टिकटॉकर हादसा हुआ, उनकी लाश लेके, तो ये कहती मुझे दिखाओ, मैं वीडियो डिलीट कर रही हूँ, ये कहती नहीं नहीं मुझे दिखाओ, वो न्यूज मैंने सुनी लेकिन कवर नहीं किया। आपको क्या लगता है वो क्या रीजन थी, वो टिकटॉकर्स को मारा गया, क्यों मारा गया? इसमें हरीम को बताया होगा क्यों मारा गया था, बताओ मुझे, बताया। जब तक ऑथेंटिक न्यूज हो तो मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? मुझे बहुत सारी किसी ने, मतलब कैसे, लेकिन जब तक ऑथेंटिसिटी किसी बात में ना, उस बात का करना मेरे ख्याल में बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। चले हरीम, हमने ज्यादा सीरियस बातें कर ली है। और वॉल क्लॉक, यानी कि आप जो हैं वो वक्त की भी पाबंद हैं, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है, वक्त की और वादे की, वादे की, इस बात की गवाही मैं इसलिए दूंगी कि मेरी जैसे जैसे हरीम से बात होती रही, तो मैं जब भी हरीम को कॉल करती रही हूँ ना, तो इन्होंने पहली बेल पे मेरा फोन पिक किया है, एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ, जो टाइम दिया उसी टाइम पे कमिट किया, हालांकि सारा दिन, हाँ बिल्कुल, आज आप पूरा दिन बहरिया में थी और वहां से आप आई। और ये कौन सी जगह है ये मैं हरगिज नहीं बताऊंगी अपने व्यूवर्स को। अच्छा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाहौर आती ही आपको बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कल मैं पहुंची, कल मेरे वो थे और आज मैंने बताया, मैंने कही ठीक है। हरीम, घर के बाकी हिस्से भी दिखाएं। आ जाएं। बाकी रूम दिखा रहे, किचन दिखाती हूँ आपको।
अच्छा किचन में कुकिंग, क्योंकि मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है तो कुकिंग से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, किचन से वो नहीं है, लेकिन किचन देख सकते हैं आप विराम। किचन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है और बर्तन तो सामने नजर आ रहे हैं देसी टाइप के, लेकिन धोती नहीं है। तो कितने मुलाजिम है आपके घर में? मुलाजिम नहीं भाई है मेरे, जो भी हम क्यों किसी को मुलाजिम के, हम इतनी बड़ी हमारी औकात की मुलाजिम रखे। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अमेजिंग जी। हरी बात कर सकती हूँ जो भी सच्ची हो ना? हाँ बिल्कुल, हर तरह की सोशल मीडिया का है, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे जो सच होते चाहिए। बहुत वेरी वेल डन। और ये है जनाब हरीम का लाउंज, आप आ जाएं यहाँ पे, आमले और आप बता, दुबई में होती थी सारे लोग क्लब में? नहीं नहीं, ये ऑलिव्स हैं। अच्छा ऑलिव्स, मैं बताती हूँ इसकी, जब हम दुबई में होते थे ना तो दुबई में सारे जाते होते थे, हर की अपनी लाइफ है, जो मर्जी करे ड्रिंक करे सिगरेट पिए जो मर्जी करे, लेकिन इन सब चीजों से मैं दूर रहती थी। उसको हमें क्लबिंग देखने का बहुत शौक होता था, डांस और सदर को ज्यादा होता था, हम देख रहे हैं, हम पीछे खड़े होकर ये खा रहे होते थे, हम कहते थे कि ये देखो सारे नशे लोग नशे में हैं, ये वो ये डांस कर रहे हैं ये वो, और तुम और में बैठे खड़े ओले खा रहे हैं, क्योंकि हम ये चीजें करते नहीं थे, हम जस्ट देखने का शौक होता था और हम इसमें इंजॉय करते थे। हरीम ये बात हो ही रही है तो अक्सर लोग आपके बारे में इबहाम का शिकार है, वो समझते हैं कि शायद आप ड्रिंक करते हो या आप स्मोकिंग। आई स्वेयर टू अल्लाह मैं क्यों आपको वो करूं, मैं ना सिगरेट पीती हूं ना ड्रिंक करती हूं, मैं कोई भी नशा नहीं करती, अगर मैं करती मैं बता देती। वेरी वेल, मैं बता देती इसमें कोई, अगर मैं कोई भी नशा करती ना तो मैं आपको बता देती, मैं जब अल्लाह से नहीं डरूंगी तो मैं आपसे क्यों डरूंगी, नशा हराम है रब ने किए, जब उसकी सुन के आप नहीं करेंगे तो लोगों से क्यों। बहुत, लेकिन जिंदगी के हिसाब अल्लाह को देने, अगर मैंने करनी भी तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देती, क्योंकि आप सब मेरे खुदा तो वो नहीं, तो मैं बता देती। चले अब आपके बेडरूम की बारी। बहुत गंदी हालत है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ड्राइवर मशीन दिखा देती हूँ आज। ये है जी, ओहो अच्छा, वाकई एक्सरसाइज करती हैं और जिम जाती हैं, बस ये गंदी हालत है लेकिन है रहा, कोई बात नहीं। हरीम का ये है जी, हरीम का बेडरूम। और अलमंड तो वैसे भी मुफीद है, इंसान को खाने चाहिए सेहत के लिए। हाँ अलमंड्स, लेकिन अलमंड्स के बारे में कहते हैं कि छिलके समेत नहीं खाने चाहिए, भिगो के खाने चाहिए। मैंने सुना जितने हर फ्रूट के छिलके में पावर है और जितना मगज ताकत छिलके के अंदर इतना नहीं है। बिल्कुल हो सकता हूँ, क्योंकि बड़ों से सुनेगा आप भगोए और सुबह साथ लाने खा लें। बिल्कुल ठीक। और भी कोई हिस्सा है घर में दिखाने वाला? ऊपर है, लेकिन ऑरेंज खाएंगी आप? नहीं नहीं थैंक यू, आप मुझे खाने का बार बार पूछ रही हैं, मैं तो इतनी खाती नहीं हूँ, मेरी सेहत से आपको अंदाजा हो रहा होगा। सीरियसली सेहत से लग रहे हैं आप? अच्छा नहीं, ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा फूडी नहीं हूँ, लेकिन जो आप ये समझ रही है ना कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अक्सर लोगों को जब मैं बताती हूँ कि मैंने लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं की, आप संदल की तरह, मैंने आपको तो बताया ना, हाँ कोई भी यकीन नहीं करता। सीरियसली 10 times खाना खाती लेकिन नहीं। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेल्प आप करते हैं काम में, और मेरे छोटा भाई है, आपने कहा मुलाजिम, खाना भी बना लेते हैं। ये वर्ड ना अच्छा नहीं लगता, ये हमारे भाई होते हैं और मेरे हिंदे के, इनको अपनी फैमिली में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपकी खिदमत करते हैं। बिल्कुल, और आप जितना इन लोगों को इज्जत दोगे उतना ही आपके घर में बरकत आएगी, अगर इन लोगों को हकारत की नजर से देखोगे तो वो कहते हैं ना मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। बिल्कुल ये सच है। ठीक है चले आप ड्राइंग रूम में चलते हैं और हरीम का इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि हरीम से बहुत सारी बातें करनी है। जी तो नाजरीन ये था हरीम का होम टूर, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और साथ साथ वो तल्ख सवालात जो आप चाहते थे कि मैं हरीम से पूछूं मैंने उनसे पूछे। अगर आप उनका फुल फ्लेज इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो उनका इंटरव्यू भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने उनसे हर वो तल्ख सवाल किया जिस पर शायद कोई भी गुस्सा कर जाए, लेकिन हरीम की अच्छी बात ये थी कि उन्होंने गुस्सा किए बिना उसी स्माइल के साथ उसी लाफ्टर के साथ उन तल्ख सवालात के भी जवाब दिए। और साथ ही साथ होम टूर में मैंने आपको दिखाया कि हरीम का घर कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है और उनकी डेली रूटीन लाइफ क्या है। उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको पसंद आया होगा। मजीद व्लॉग्स इंटरव्यूज और दिलचस्प खबरें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड जरूर रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा नोटिफिकेशंस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगेबान।